वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला, जो कि बहुत ही मज़े का होता है और इसको बनाने में आपको मैक्सिमम 10 मिनट का वक्त लगेगा। तो चलिए इस मज़ेदार से भिंडी मसाला को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने पैन ले लिया है और उसमें 1/3 कप डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है जिसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैंने टॉवल से पोंछ लिया था और उसको इतने बड़े पीसेस से मैंने कट कर लिया है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है और फ्लेम रखेंगे मीडियम टू हाई के बीच में और इसको लगातार हम इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। और इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी 1/2 पीस यहाँ पर मैंने नींबू का रस ले लिया है, वो डाल देंगे। इस तरह से जब हम भिंडी के साथ में नींबू को डाल के फ्राई करते हैं ना, तो वो इसका कलर चेंज नहीं होता, एकदम ग्रीन ही रहता है। और इसको तकरीबन 3 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में और जो बाकी का ऑयल बच गया है उसमें अब हम मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे ज़ीरा 1 छोटा चम्मच डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे 1 पिंच में हींग का डाल रही हूँ। अगर आप हींग के फ्लेवर को लाइक करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर डालिए। थोड़ा सा ज़ीरे को हम क्रैकल होने देंगे और इसके साथ ही डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है जिसको इस तरह से स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है। अब प्याज को भी इसके साथ में हम डाल देंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू हाई के बीच में और इसको लगातार चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। हमें यहाँ पर इसका कोई कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इतना फ्राई करना है इसको कि इसके अंदर जो भी रॉ स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसमें हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। और जब आपको लगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे, मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और 1/2 छोटा चम्मच ही हम लेंगे यहाँ पर अदरक का पेस्ट, वो डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में भी इसको थोड़ा सा मिक्स करके भून लेंगे। यहाँ पर लहसुन और अदरक की जो अंदर जो रॉय स्मेल होती है उसको हमें ख़त्म कर देना है, जिसमें हमें तकरीबन 1 मिनट का वक्त लगेगा। और अब डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 छोटा चम्मच हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। इसके डालने से जो मसाले का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। और 1/4 छोटा चम्मच हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर का। और इन दोनों को डालने के बाद में भी इस जरा इस तरह से हम ऑयल में डाल के इनको भूनते हैं ना, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर जाएगा 1/4 कप मैंने टमाटरों का पेस्ट ले लिया है, वो डाल देंगे। और इसके साथ ही डालेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच मैंने नमक कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिए। और अब इसमें जाएगा शिल्पा का फ्लेवर मैजिक मसाला, जिसे मैं तकरीबन 1/2 छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके मसाले के डालने के बाद में और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो मेरी तरह से, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 छोटा चम्मच डाला है रेगुलर लाल मिर्च का। और इसको डालने के बाद में हम अच्छे से भून लेंगे मसालों को। और अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा, मैं पानी डालूंगी तकरीबन मान के चलिए 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाला है। और पानी डालने के बाद में जब मसालों को भूनते हैं ना तो उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है और मसाला हमारा अच्छे से भुन भी जाता है। तो उसको कवर करके रख देंगे हम मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और इसमें ही आप देखेंगे कि मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर फ्रेश दही का यूज़ किया है। प्लीज़ यहाँ पर आप खट्टे दही का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। और दही को डालने के बाद में इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। हमें यहाँ पर ऑयल को सेपरेट कर देना है, इतना हमें इस मसाले को भूनना है। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुनने लगा है, ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हम डालेंगे जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा था वो भिंडी इसके अंदर हम डाल देंगे और एक बार कर देंगे मिक्स मसाले के साथ में। फ्रेंड्स, क्या ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनके तैयार हो रही है, इसको ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को नीचे थम्स अप का बटन उस पर क्लिक कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो ये देखिए अब अच्छे से तरह से ये भिंडी मसाले के अंदर मिक्स हो गई। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है क्योंकि हमें यहाँ पर भिंडियों को गला लेना है। एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे और कवर करके रख देंगे। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद में मैं इसके लिड को हटाऊँगी और ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे मसाला भिंडी बन के तैयार हो गई है। ये देख रहे हैं आप, आ गया ना मुँह में पानी आपके भी। इसको एक बार हम मिक्स कर देंगे और ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि भिंडी गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया है तो फ्लेम को हाई करके आप उसके सारे पानी को ड्राई कर सकते हैं। और ये देखिए भिंडी को मैंने चेक कर लिया है, भिंडी भी अच्छे से गल चुकी है। और अगर आपको लगे कि भिंडी गली नहीं है तो 1-2 मिनट के लिए आप इसको और रख दीजिए। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी, फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी भिंडी मसाला बनके तैयार हो गई है। इसको मैं सर्व करूँगी और ये सर्व करने से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये भिंडी मसाला बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। और इसको बनाना आपने देखा कितना आसान है, सिर्फ एक मसाले के साथ में ही ये भिंडी मसाला बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो रेगुलर जो घर के मसाले होते हैं जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, वो सारे मसाले डाल के भी आप इसको भिंडी मसाले को बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में। वैसे ही इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इसको शिल्पा के फ्लेवर मैजिक मसाले को अपने घर में ज़रूर रखिए। सिर्फ एक मसाले से ही आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो अगली बार जब भी आपका कोई भिंडी खाने का मन करे तो इस भिंडी मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको और आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बेहद पसंद आएगी। तो चलती हूँ मैं, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।